हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा मेश एनालिसिस के बारे में डिटेल में। हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सब बेसिक इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मेश एनालिसिस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाई वी यूज मेश एनालिसिस। हम लोग मेश एनालिसिस यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर हमें उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें उस ब्रांच के थ्रू जाने वाले अननोन करंट को फाइंड आउट करना होता है। तो मेश एनालिसिस अप्लाई करके हम किसी भी ब्रांच के अननोन करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेश, मेश होता क्या है? तो डेफिनेशन होती है मेश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी लूप है उसके इनर में कोई दूसरा लूप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है, हम इसको मेश या फिर लूप नहीं कह रहे, हम कह रहे इसको मेश या फिर लूप और ये सेकेंड मेश या सेकेंड लूप, क्योंकि इस अगर हम इस आउटर लूप को कंसिडर करते हैं तो इसके इनर में दो लूप आते हैं, तो डेफिनेशन ओबे नहीं होती उस टाइम। डेफिनेशन क्या कहती है? मेश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। इसीलिए हम लोग इस तरह से ये लूप वन एंड दिस इज लूप टू इस तरह से कंसिडर करते। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ मेश करंट। मेश करंट जो भी आप लूप में दोगे उनकी डायरेक्शन दो टाइप की होती है, या तो हम क्लॉकवाइज दे सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बट इन जनरल क्लॉकवाइज यूज की जाती है, तो आप भी क्लॉकवाइज ही यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल चार स्टेप्स है। वेरी फर्स्ट, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मेश। सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ मेश आइडेंटिफाई करने, जैसे ये एग्जाम्पल है एक और दो, दो मेश हमारे पास है। सेकेंड, असाइन मेश करंट। इस तरह से मेश का करंट आपको असाइन करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन I1 एंड सेकेंड लूप फॉर सेकेंड लूप I2। ओके, थर्ड पॉइंट आता है डेवलप KVL इक्वेशन फॉर मेश। यहां से हमारा मेश एनालिसिस सॉल्व करना स्टार्ट होता है। डेवलप KVL इक्वेशन फॉर मेश, जैसे ये लूप वन है, हम अप्लाई करेंगे KVL एट नोड वन लूप वन और हम उसका इक्वेशन तैयार करेंगे। उसी तरह या लूप टू में भी हम अप्लाई करेंगे KVL और उसका भी हम एक इक्वेशन रेडी करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम किसी भी ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है स्टेप्स। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट्स। कोई भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर है, उसको पोलैरिटीज नहीं होती, तो आपको याद रखना है हमेशा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह है तो आपको यहाँ पे प्लस और नेक्स्ट माइनस, इस तरह से आपको उसको पोलैरिटी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको पहले से पोलैरिटीज होती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको उसी तरह से लेनी है। ओके, अभी सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेश एनालिसिस किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पावर लॉस ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर यूजिंग मेश एनालिसिस। ये 10 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस का हमें लॉस ड्रॉप निकालना है, रेजिस्टर के अक्रॉस का पावर डिसिपेशन हमें इसके अक्रॉस का निकालना है। सो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट था कि हम लोगों को देखना लूप कितने, वन एंड टू। सेकेंड स्टेप थी कि हमें करंट असाइन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेप टू में करंट असाइन करेंगे। I1, दिस इज I2, I1 एंड दिस इज I2। ओके, अब थर्ड जो स्टेप थी वो थी अप्लाई KVL एट नोड वन। स्टेप थ्री आती है आपकी अप्लाई KVL एट नोड वन। सो हम अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है अप्लाई केवीएल एट मेश वन और लूप वन। हम अप्लाई करेंगे केवीएल, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि केवीएल किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे लूप वन ये है, आई वन करंट के लिए हमें अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। हम 5 ओम का रेजिस्टर है, तो आपको लिखना है सबसे पहले 5। I1 है तो उसको I1,
और जैसे मैंने आपको बताया कि पोलैरिटीज पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो ये करंट इस तरह से जाएगा, तो निगेटिव लेते हुए जाएगा, तो आपको इसको साइन असाइन करनी है निगेटिव साइन, -5 I1। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जो आपको ध्यान देना है थोड़ा, वो होता है कि ये रेजिस्टर के अक्रॉस I1 इस तरह, इस डायरेक्शन से I1 जा रहा है करंट, और इस डायरेक्शन से I2 करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आपको इसको लिखते वक्त माइनस, ये 5 ओम का रेजिस्टर है तो 5, और ब्रैकेट बनाना है, और लूप 1 के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो I1 पहले आएगा -I2। इसका रीजन ये है क्योंकि हम इस लूप के लिए लिख रहे हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि I1 की वैल्यू ग्रेटर होगी I2 से, दैट्स व्हाई I1 पॉजिटिव और I2 निगेटिव होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आते हैं इस तरह से, तो 10 वोल्ट, और ये बाद में पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव साइन असाइन होगी 10 वोल्ट को, इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। इसको पॉजिटिव इसलिए दिया था क्योंकि करंट इस तरह, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पहले निगेटिव आ रहा है बाद में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन लेके जाएगा अपने साथ, तो इसीलिए पॉजिटिव 10 वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5 I1 -5 I1 मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 I2 प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब I1 यहाँ पे भी है, I1 यहाँ पे भी है, दोनों का एडिशन हो जाएगा, -10 I1 आ जाएगा, +5 एज इट इज +10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है और ये वोल्टेज की एक अलग टर्म होती है, तो इज इक्वल्स टू की इस पार लेके आएंगे हम, तो हमारा इक्वेशन आएगा, अगर इज इक्वल्स टू की ये टर्म उस पार गई तो उसका ये इक्वेशन बन जाएंगे, 10 I1 -5 I2, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, और 10 वहीं पे रखेंगे तो 10 वोल्ट एज इट इज रहेगा। ओके, सो ये बन जाता है आपका इक्वेशन नंबर 1। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, ये 10 है, ये 5 है और ये 10 है, तो डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, सो हम करेंगे डिवाइड बाय, इक्वेशन डिवाइड बाय 5, सो आंसर आएगा 2 I1 -I2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई स्टेप 2 आएगी आपकी, अप्लाई केवीएल एट नोड 2, अप्लाई केवीएल एट लूप 2, इस तरह से आपको लिखना है। और अब स्टार्ट करते हैं, केवीएल अप्लाई करेंगे लूप 2 पे, क्या होगा, सबसे पहले यहां पे आएंगे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये 5 आएगा सबसे पहले, तो आपको लिखना है -5। अब हम देखते हैं कि ये रेजिस्टर से ये करंट भी जा रहा है और ये करंट भी जा रहा है, दोनों करंट पास हो रहे हैं, दैट्स वाई हम अब इस लूप के लिए लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे I2 -I1, क्योंकि अब हम कंसिडर करेंगे I2 को ग्रेटर I1 से। ओके, उसके बाद करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आएगा -10 I2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 I2 माइनस माइनस प्लस 5 I1 -10 I2 इज इक्वल्स टू 0। अब I2 यहाँ पे भी है, I2 यहाँ पे भी है, इनका कैलकुलेट करेंगे हम तो आएगा माइनस माइनस -15 I2, और ये जो +5 I1 है हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, +5 I1 I1 I2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये भी डिवाइड होता है 5 से, सो डिवाइड बाय 5, डिवाइड अगर करते इस इक्वेशन को तो आता है I1 -3 I2
इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये बन जाता है आपका इक्वेशन नंबर टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है इसमें वो आती है, तो हम लोगों को देखना होगा दोनों इक्वेशंस को, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस को। यहाँ पे 2i1 माइनस i2 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे i1 माइनस 3i2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमें क्या करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक करंट निकलना चाहिए कोई भी, तो i1 कैंसिल होना चाहिए। तो हम देखते हैं 2i1 है और यहाँ पे सिर्फ i1 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2i1 और ये 2i1 अगर सब्सट्रैक्ट होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा और i2 की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे अगर 3 होता तो हमने क्या किया होता कि 3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होता और ये 2 है, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होता पूरे इक्वेशन को, सो दैट ये कैंसल आउट हो जाते। ओके, सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 2i1 माइनस i2 इज इक्वल्स टू 2 और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2i1 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, i2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज 0, सो 0। अब इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा, ये कट हो जाएगा, इनका माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा 5i2 इज इक्वल्स टू 2। अब i2 की वैल्यू आएगी, i2 इज इक्वल्स टू 2/5, दिस इज योर i2। ओके, i2 को पुट कर देंगे 2 में तो i1 भी निकल जाएगा, बट हमें i2 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है 10 ओम के अक्रॉस निकालना है और यहाँ पे सिर्फ i2 जा रहा है तो हमें i2 की ही आवश्यकता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस पावर डिसिपेशन PD इज इक्वल्स टू i2 स्क्वेयर R। सो i2 की वैल्यू आई है 2/5 स्क्वायर इनटू R, R की वैल्यू है 10, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है उसकी वैल्यू है 10, सो इसका आंसर आता है 1.6 वाट। ओके, सो इस तरह से हम पावर डिसिपेशन या पावर लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है, इन मेश एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।